लेते हैं यहाँ पे, एल क्या होता है, एल होता है लोअर लेवल, है ना। अभी बताते हैं एल लोअर लिमिट क्या है। एल होता है लोअर लिमिट, एफ होता है जो मीन, जो मोड हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, चलिए मैं एक ना यहाँ पे टेबल लिख लेता हूँ और साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। आप इसके आपको दे रहे हैं वो लोग 10, 10, 16, 10, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा पहले हम ये बात करते हैं कि मोड होता क्या है। हाँ जी, अभी तक क्या हो रहा था कि मान लीजिए क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट में लोगों के अलग अलग नंबर आए, है ना। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि एवरेज नंबर कितना आना चाहिए, है ना, वो होता है मीन। मोड क्या होता है कि जो एवरेज आया, है ना, एवरेज जो आया, एवरेज जो नंबर है वो कितने ज्यादा लोगों को आ रहे हैं, है ना, कितने ज्यादा लोगों को आ रहे हैं, वो होता है मोड, है ना। नंबर ऑफ द मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ मीन इज कॉल्ड मोड। हाँ जी, कि वो जो मीन की वैल्यू आई वो कितनी ज्यादा टाइम आ रही है, ये कहलाता है मोड। अब क्या होता है कि इस जो ये आपको डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको देखना होता है कि बताइए तो कौन सा ग्रुप है जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। बात समझ में नहीं आ रही होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ना मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, टेस्ट ना टोटल 70 मार्क्स का था। हाँ जी, टेस्ट टोटल 70 मार्क्स का था, उसमें ना 0 से 10 के बीच में 8 लोगों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच में 10, 20 टू 30 10, 30 टू 40 16, 40 टू 50 12, 50 टू 60 6 एंड 60 टू 70 7। बताइए तो कौन सा नंबर ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आए। 30 to 40, ये वाला जो नंबर ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा लोग आए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार मतलब रिपीट हुई है, 30 से 40 के बीच में सबसे ज्यादा लोगों को नंबर आए हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, है ना, वही होता है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे बोलते हैं प्रीडिक्शन ऑफ मिड क्लास। ये जो मैंने बोला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको वो बोलता है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। बुक में आपको हर जगह ये मॉडल क्लास F1 = मॉडल क्लास बोला जाएगा, है ना। और मॉडल क्लास किस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई है वो मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना। इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये क्या बोलेगा, F0 है। हाँ जी, ये क्या है, प्रीडिसर। एक प्रीडिसर होता है, एक सक्सेसर होता है, तो प्रीडिसर ऑफ मॉडल क्लास, प्रीडिसर ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगा, F2। ये क्या होगा, सक्सेसर ऑफ मॉडल, सक्सेसर ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पे F1, F0 ये सब हो गया, L बच गया, H बच गया, तो H तो हमें मालूम ही है क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लास। तो कितना है, तो H = लेंथ ऑफ क्लास, लेंथ ऑफ क्लास, ऑफ क्लास। अब बचा L, अब L क्या होगा, तो बेटा जो ये मॉडल क्लास होता है ना, उसकी जो लोअर लिमिट है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो हो गया L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ऑफ मॉडल
क्लास अब मॉड आप निकाल नहीं सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला लिखना आपको। मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। चलिए वैल्यू प्लॉट कर दें। एच इक्वल्स टू 30 है। यस सर। F1 equals to 16, F0 equals to 10 upon 2 into 16 minus F0, 10 minus 12 into 5 से कितने हैं? 10 है। ठीक है भैया, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्लस में है, 30 प्लस 6 upon 32 minus 22 into 10, 30 plus 6 upon 10 into 10, 10 से 10 cancel, तो क्या हो गया? 30 plus 6 equals to 36, ये आपका हो गया? ठीक है बेटा? Yes sir. ये आपका है मॉड, है ना? और हर बार आपको ऐसे ही इंटरवल, ठीक है? आप इसकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 35, 115, 120, 150। सर ये 315 लिखा। हाँ जी सर, 315 ही लिखा है। एक बार आपका ये हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मॉड या फाइंड द मॉड। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको याद है? Yes, है ना? मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, है ना? होल इंटू एच होगा। इंटू एच मतलब नीचे एच का मतलब, ठीक है जी। चलिए अब हम इसमें पहले हम देखते हैं मॉडल क्लास क्या है हमारी। तो मॉडल क्लास है हमारी ये वाली, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यही ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये मॉडल क्लास हो गई, है ना? अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 315 है ये क्या हो गया? F1 equals to 315, तो F0 क्या हो जाएगा? 35। F2 क्या हो जाएगा? 120। L क्या हुआ? 20। ट्वेंटी। एच क्या हुआ? 20। बस इसे उठा के फॉर्मूले में प्लॉट कर दे। फॉर्मूला है मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होल इंटू एच। चलिए एल की वैल्यू क्या हो गई? 20 प्लस एफ वन हो गया है 315 माइनस 35, एफ जीरो क्या है? 35 अपॉन 2 इंटू 315 माइनस 35 माइनस 120 इंटू 20। ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आया 0 ये हो गया 135 इंटू 20, ये हो गया 20 प्लस 280 अपॉन 5, 13 में से 5 गए 8 और 5 में से भी अच्छा, ठीक है? इंटू 20, ये रिड्यूस होगा क्या? Yes, हो जाएगा 5 से होगा। Yes, रिड्यूस कर देते हैं, ये हुआ 5 टाइम में 6 टाइम, है ना? 5 जा 25 और फिर 6 टाइम में 56, ये हुआ 9 टाइम में, फिर यहाँ से आया 7 टाइम, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास बना 20 प्लस 56 अपॉन 97
इनटू 20 ये रिड्यूस होगा क्या नहीं नहीं होगा है ना अब नहीं होगा तो क्या करें क्या करें पहले इसे इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा नहीं तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा है ना तो 97 से 56 को डिवाइड किया नहीं जाएगा 0.0 आ गया हाँ जी आप 9 से 56 में कितने टाइम में डिवाइड जाएगा अगर 9 से 56 को डिवाइड करने तो कितने टाइम में डिवाइड जाएगा 6 टाइम में 9 6 54 है ना तो 97 से 560 में मोस्ट प्रोबेबली 6 टाइम में ही डिवाइड जाएगा 6742 हासिल 4 54458 5 टाइम में कर ले 45 and 3 45 and 3 45 and 3 48 45 and 3 48 हाँ जी तो कितने टाइम में क्या 5 टाइम में 4 4 80 5 5 यहाँ से 8 4 0 लगा फिर यहाँ से फिर इतने में 9 टाइम में तो 9 टाइम में अलग करके देख लेते हैं 86 85 86 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
और ये फिर से वन और ये ठीक है. अभी ये रिड्यूस होगा क्या देखिए तो 19 के टेबल में 56 आते हैं क्या. तो 19 से 56 को डिवाइड किया 19 का टेबल आता है आप लोगों को. यस सर. अच्छी बात. कितने टाइम में डिवाइड किया रहा है क्योंकि 3 टाइम में तो 57 आ जाता है. 2 टाइम में ही जाएगा तो 38 है ना. यहाँ पे 8 यहाँ पे 1 है ना. अब डिवाइड जाएगा क्या नहीं जाएगा. 0 लगा दिया. हाँ जी. अब कितने टाइम में जाएगा. अरे 19 का टेबल आता है ना देखिए कितने टाइम में कितना आ जाएगा. 171 यहाँ पे 9 आ गया ठीक है. अभी डिवाइड जा रहा है क्या पॉइंट लगा फिर से 0 कितने टाइम में जाएगा. 76 आ रहा है क्या. 76. हाँ जी. यहाँ पे 4 और 140 ठीक है. हमें बस इससे ही मतलब नीचे से मतलब. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया. यहाँ पर लिखते बेटा 20 प्लस 2.94 इनटू 4 2.94 इनटू 4 तो ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 6 और फोर जा 4 चौका 16 कितने यहाँ से ले 36 12 और 3 8 और 3 11 ठीक है. ये आया आपका मॉड कितना आ गया 31.76 ये आपका आ गया ठीक है बेटा.